वेलकम अगेन स्टूडेंट्स और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 64 फोर क्लास 6 to 8। और ये वर्कशीट आपकी 17 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं। तो अब देखिए, लॉकडाउन के समय पिंकू के दादाजी ने देखा कि पिंकू खेलने में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता और पूरे दिन जो है टेलीविजन पर कार्टून देखता है। ठीक है बच्चों, तो ये सिचुएशन भी जो है काफी बच्चों के साथ हुई होगी कि लॉकडाउन के समय आप लोगों ने भी बहुत टीवी देखा होगा। हो सकता है आप भी जो है वो खेल में रुचि नहीं ले रहे हो। आप पिंकू, क्या तुम्हें खेल खेलना अच्छा नहीं लगता है? दादाजी उससे पूछते हैं कि पिंकू क्या तुम्हें खेल खेलना अच्छा नहीं लगता? तो पिंकू क्या कहता है, दादाजी मैं बाहर खेलने जाना तो चाहता हूँ लेकिन इस महामारी में कोई भी बाहर खेल नहीं सकता। तो बच्चों ऐसा जो है पिंकू बोल रहा है कि महामारी में कोई भी बाहर खेल नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात है कि महामारी है तो उसमें बाहर खेलने नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम घर में कोई खेल नहीं खेल सकते। तब दादाजी पिंकू के पास बैठे और उसे बताया कि लंबे समय तक टीवी देखने से आंखों पर बुरा असर पड़ता है जबकि खेल खेलने के कई फायदे हैं। ठीक है, तो आप सब बच्चों को भी पता है कि लंबे समय तक टीवी देखने से हमारी आंखों पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन जो हम खेल खेलते हैं उसके बच्चों कई फायदे हैं। और वो क्या क्या फायदे हैं उनके बारे में हम जो है यहाँ जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला फायदा क्या है कि जो खेल है वो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। ठीक है, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा अपने अंदर विश्वास बढ़ता है कि हम कुछ कार्य कर सकते हैं, अनुशासन सीखते हैं, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं कि कैसे जो है हम अगर हम हार जाते हैं तो कैसे हमें अपने अंदर जो है इस चीज को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम हार भी सकते हैं और जीत भी सकते हैं। तो हमें दोनों सिचुएशन को फेस करने की जो है एक तरह से आप कह सकते हो सीख यहाँ से मिलती है। हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है ये, हमारा बच्चों हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है और हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं खेल से कि किस तरह से हमें एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहिए और टीम में काम सीखते हैं बच्चों। टीम वर्क हम सीखते हैं क्योंकि टीम वर्क जो है एक ऐसा आप कह सकते हो एक ऐसी स्ट्रेटेजी है काम करने की जिसमें हम जो है बहुत जल्दी कार्य कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। अब आइए पहचानते हैं कि कौन कौन से खेल हैं जिन्हें हम घर पर खेल सकते हैं। तो आपको दिए गए जो खाली स्थान है बच्चों, यहाँ पर हाँ और नहीं जो है वो लिखना है। तो देखिए पहचान लेते हैं, सबसे पहले ये कौन सा खेल है बच्चों? हाँ, ये कौन सा है, ये फुटबॉल है। ओके, तो ये कौन सा खेल होगा, ये फुटबॉल होगा। तो क्या फुटबॉल को आप जो है घर पे खेल सकते हो या नहीं? तो हम फुटबॉल घर पे नहीं खेल सकते, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर नहीं लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये क्या है, सभी बच्चे जानते हैं आपने लॉकडाउन के टाइम खेला है बहुत, तो ये क्या है, लूडो। तो इसको हम घर पे खेल सकते हैं, बिल्कुल खेल सकते हैं, ये एक घर पे खेलने वाला खेल है। ये क्या है, ठीक है, ये रस्सी का खेल है। तो रस्सी का खेल भी बच्चों हम जो है घर पे खेल सकते हैं, बस उसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो है थोड़ा सा स्पेस चाहिए जहां पर आसानी से आप रस्सी कूद सकते हो, तो इसको भी हम घर पे खेल सकते हैं। तो आपको यहाँ हाँ लिखना है। उसके बाद ये देखिए ये क्या है, शतरंज। ठीक है, तो ये जो है शतरंज है और शतरंज को भी हम घर पे खेल सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्रिकेट है बच्चों, क्रिकेट है। तो इसको भी क्या हम घर पे खेल सकते हैं? नहीं, इसके लिए आपको बड़ा ग्राउंड चाहिएगा जहां पर इसको आप खेल सकें, तो इसको हम क्या लिख देंगे, नहीं। तो घर के अंदर खेले जाने वाले अपने प्रिय खेलों के नाम भी लिखने हैं। तो हमारा जो प्रिय खेल है वो आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे लूडो है, और क्या हो सकता है घर के अंदर खेलने वाला, शतरंज है बच्चों। ठीक है, शतरंज भी हम घर पे खेलेंगे। उसके अलावा और भी आप अपने प्रिय गेम जो है वो यहाँ लिख सकते हो, जैसे कि कैरम भी बहुत बच्चे जो है मजे के साथ खेलते हैं, तो ये गेम जो है आप लिख सकते हो। और भी अगर कोई आपका प्रिय खेल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो वर्कशीट है बेटा ये क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।